आप अपने विंडोज 11 का जो सी ड्राइव है उस सी ड्राइव में अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं विदाउट परमिशन, तो आप उन सभी को कहाँ कहाँ से उन सभी को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। और इन सभी को डिलीट करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपके सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो पहले वाले ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा, वहाँ पे बूस्टअप देखने को मिलेगा और आपका जो सिस्टम है वो हैंग भी नहीं करेगा और आपके सी ड्राइव में स्पेस भी क्रिएट होगा, न्यू स्पेस भी क्रिएट होगा जहाँ पे आप और भी अनदर डेटा को आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना यह है कि आपको अपने दिस पीसी को ओपन कर लेना है। दिस पीसी को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव में चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक विंडोज का आपको यहाँ पे एक फोल्डर देखने को मिलेगा, तो आपको इस विंडोज वाले फोल्डर में चले जाना है। और यहाँ पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के नेम से आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के नेम से, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का आपको यहाँ पे एक फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस फोल्डर में चले जाना है। और इस फोल्डर में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डाउनलोड का आपको फोल्डर शो हो रहा होगा, तो आपको इस फोल्डर में चले जाना है। और इस फोल्डर में जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारा अनवांटेड फोल्डर्स और फाइल्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा जो आपके काम का नहीं है। और ये जो फाइल्स और फोल्डर है ये आपके प्रीवियस अपडेट्स का आपके यहाँ पे फाइल और फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको इन सभी को आपको यहाँ पे टोटली को आपको परमानेंटली डिलीट कर देना है। और ऐसा नहीं कि इस फोल्डर इस फाइल्स को डिलीट करने के बाद आपका किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, डोंट वरी। आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है क्योंकि ये जंक फाइल्स हैं, ये प्रीवियस अपडेट के आपके जंक फाइल कलेक्ट हो जाते हैं आपके सी ड्राइव में। तो आपको इन सभी को आपको ऑल सेलेक्ट कर परमानेंटली डिलीट कर देना है क्योंकि ये जंक फाइल्स के कारण जो आपका जो विंडोज़ है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, फास्ट वर्क नहीं करता है और आपको वहाँ पे बहुत सारा हैंग से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। यही जंक फाइल्स के कारण ही ऐसा होता है। आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट करना है, तो ऑल सेलेक्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस ए बटन को प्रेस करना है और आपका यहाँ पे जितना भी जंक फाइल्स है, जितना भी अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स है, यहाँ पे टोटली ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे। ऑल सेलेक्ट हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस 17 आइटम्स, तो आपको यहाँ पे इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है यस बटन पे प्रेस कर। तो यहाँ पे जितने भी अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स है वो यहाँ पे मेरे डिलीट हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे इसे कंटिन्यू कर दिया हूँ, हो सकता है यहाँ पे आपको कुछ सेकंड का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और इन सभी यानी इन सभी प्रीवियस अपडेट फाइल्स को जो आपके काम का नहीं है तो आपको उन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। और यहाँ पे आपको ट्राई करके देखना है कि यहाँ पे जो फाइल्स अगर डिलीट नहीं हो रहे हैं तो आप उसे एक बार ट्राई अगेन कर सकते हो। अगर बाय द वे तब भी डिलीट नहीं होते हैं तो आप इसे स्किप कर दो, आपको इसे स्किप कर देना है या कैंसिल कर देना है। जो फाइल्स यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहे हैं उसे आपको एज इट इज़ वैसा ही छोड़ देना है और आपको इसे क्लोज कर देना है। ये मेरा पहला प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको सेकेंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकेंड प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने कीबोर्ड में ही विंडोज़ प्लस आर बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद और आपके सामने रन प्रोग्राम ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे इस रन प्रोग्राम में आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ कमांड्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो ये पहला कमांड है जो मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको टाइप करना है परसेंट टैम्प परसेंट, आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है और आपके सी ड्राइव का जो टेम्प्ररी फाइल से रिलेटेड जो फोल्डर है वो आपके यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी आपको अनयूज्ड अनवांटेड फोल्डर्स और फाइल्स आपको यहाँ पे शो होंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इन सभी को भी उसी तरह से आपको ऑल सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस ए बटन को प्रेस कर, और उसी तरह से आपको यहाँ पे परमानेंटली डिलीट करना है शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस कर। तो ये मेरे टेम्प्ररी फाइल्स हैं जो मेरे सी ड्राइव में ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट करना है। और इन्हीं फाइल्स के कारण ही मेरा जो सी ड्राइव है वो फुल हो जाता है और जिस कारण से हमारा जो सिस्टम है या हमारा विंडोज़ है वो हैंग करता है या स्लो वर्क करता है। तो इस ऐप को आप क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे सेकेंड कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे दोबारा से रन प्रोग्राम को ओपन करता हूँ। रन प्रोग्राम को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करना है टैम्प। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको इस बार आपको ओनली टैम्प आपको यहाँ पे टाइप करना है। टैम्प टाइप करने के बाद अब आपको इसे ओके करना है और यहाँ पे आपके सी ड्राइव का
अनदर आपके यहाँ पे टेम्पररी फाइल्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जैसे टेम्पररी फाइल का जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे भी उन सभी को यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करके, देन यस। और जो फाइल्स अगर यहाँ पे डिलीट नहीं होते हैं अगर बाय द वे, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप इसे स्किप भी कर सकते हो। आपको उन सभी फाइल्स को, जो फाइल्स यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहे हैं, उन सभी फाइल्स को आपको एज इट इज वैसे ही छोड़ देना है। जितनी भी फाइल्स अगर बाकी डिलीट होते हैं तो उन सभी को आपको डिलीट कर लेना है। तो अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको अनदर कमांड में आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो अनदर कमांड टाइप करने के लिए मैं यहाँ पे दोबारा से मैं यहाँ पे मेक पर फिर से यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन कर लिया हूँ। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है प्रीफिच। आपको यहाँ पे इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, जिसमें आपको जूम कर दिखा रहा हूँ, प्रीफिच। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीफिच आपको यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद देन ओके करना है। और यहाँ पे भी आपका, जैसे आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फिलहाल तो मैं यहाँ पे सिंगल अनवांटेड अनयूज्ड फाइल यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर आपके यहाँ पे बाय द वे और भी आपको यहाँ पे शो होता है तो आपको उन सभी को सेलेक्ट करना है और इसे भी आपको परमानेंटली डिलीट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर देता हूँ, अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो ये मेरा सेकेंड प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में आपको वापस से अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक और कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्लीन एम जी आर। जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम कर दिखा रहा हूँ, आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके। और आपके सामने डिस्क क्लीनअप से रिलेटेड इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ, देन आपको इसे अब ओके करना है। तो यहाँ पे कुछ सेकेंड आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डिस्क क्लीनअप से रिलेटेड इस तरह के इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा आपको यहाँ पे कंटेंट शो हो रहा होगा, तो आपको यहाँ पे इन सभी को मैंने चेकमार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी चेकमार्क है, अगर बाय द वे आपके यहाँ पे चेकमार्क नहीं रहता है तो आपको इन सभी को चेकमार्क कर लेना है। चेकमार्क करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्लीनअप सिस्टम फाइल्स पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप जैसे देखोगे, यहाँ पे वापस से मेरा वो पॉपअप ओपन हुआ है। तो यहाँ पे मैं अब इसे ओके करता हूँ अगेन। फिर यहाँ पे कुछ सेकंड का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है। और आपके सामने वापस से कुछ इस तरह का कंटेंट ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे वापस से कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे अब इस बार वापस से ही आपको यहाँ पे इन सभी कंटेंट को ऑल सेलेक्ट कर लेना है। इन सभी को मैंने आपको यहाँ पे चेकमार्क कर लेना है। चेकमार्क करने के बाद देन इसे ओके कर देना है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे डिलीट फाइल्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे डिलीट फाइल्स पर क्लिक कर देना है। और आपके सिस्टम में मैंने आपके सी ड्राइव में जितने भी अननेसेसरी फाइल्स, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्लीनिंग अप अननेसेसरी फाइल्स ऑन योर मशीन यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पे आपके सिस्टम में जितने भी अननेसेसरी फाइल्स या अनवांटेड फाइल्स या क्रैश फाइल्स भी है, तो वो यहाँ पे परमानेंटली वो क्लीन हो जाएंगे, मतलब परमानेंटली यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ मिनट का भी हो सकता है टाइम लगे, तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है। और आपको यहाँ पे इन सभी को क्लीन कर लेना है, जितना भी अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स जो कलेक्ट हो जाते हैं आपके सी ड्राइव में ऑटोमेटिकली। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद अब आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको स्टार्टअप ऐप्स का आपको यहाँ पे एक आइकन शो हो रहा होगा, मतलब स्टार्टअप ऐप्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बहुत सारा आपको स्टार्टअप ऐप्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी स्टार्टअप ऐप्स है वो आपके यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपका जो भी स्टार्टअप ऐप आपको यहाँ पे नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, जिन स्टार्टअप ऐप को यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो उन सभी स्टार्टअप ऐप को यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे देखोगे, यहाँ पे मैं पहले से ही, जैसे देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज, मैं भी फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ नहीं करता हूँ, मैं क्रोम को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे क्या किया हूँ कि मैं इसे डिसेबल कर दिया हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ये डिसेबल्ड है।
और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम को भी मैं अभी फिलहाल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसे भी डिसेबल्ड कर दिया हूँ। और जो जो एप्लीकेशन का आपको जरूरत नहीं है, नीड नहीं है अभी फिलहाल, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वन ड्राइव का भी ऑप्शन है, तो ये मैं इसे भी डिसेबल करके रखा हूँ। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसे मैं डिसेबल करके रखा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो डिसेबल करने के लिए क्या करना है आपको, पार्टिकुलरली उसी एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस डिसेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपका जो भी स्टार्टअप ऐप्स है वो आपके डिसेबल हो जाएगा। क्योंकि इन स्टार्टअप ऐप्स के कारण क्या होता है कि आपके जो स्टार्टअप ऐप्स है वो आपके सिस्टम में, मैंने आपके विंडोज़ के बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते ही रहते हैं, तो जिस कारण से क्या होता है कि आपका जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो स्लो पड़ जाता है, सिस्टम का परफॉर्मेंस स्लो पड़ जाता है या हैंग करने लग जाता है, या आपको कोई भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन या मैंने सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल फोटोशॉप आप यूज़ कर रहे हो अपने वर्क के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये स्टार्टअप ऐप इनेबल रहते हैं तो ये हमेशा ऑलवेज आपके विंडोज़ में बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि आप जो भी मेन सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल फोटोशॉप पे वर्क कर रहे हो, तो वो भी हैंग करने लग जाता है वो, या वो भी मैंने स्लो वर्क करता है, या वीडियो एडिटिंग करते हो रेंडरिंग वेंडरिंग में आपको स्लो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, या आपका सिस्टम ही स्लो वर्क करेगा। तो यहाँ पे जो जो स्टार्टअप एप्लीकेशन का आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको उन सभी को आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है, और डिसेबल करने के बाद आपको इसे क्लोज कर लेना है। क्लोज कर देने के बाद तो ये मेरा फोर्थ नंबर प्रोसेस हो गया है। अब मैं आपको फिफ्थ नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि फिफ्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। जो ये फिफ्थ नंबर प्रोसेस है ये आपका फाइनल प्रोसेस है, और मैं आपको ये जो प्रोसेस बताने वाला हूँ ये प्रोसेस को आप एटलीस्ट वन वीक में टू टाइम्स जरूर से ज़रूर आप इसे कीजिएगा। मैंने ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जिन लोग का कंप्यूटर है या लैपटॉप है, जिन लोग कंप्यूटर लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगा हुआ है, मैंने HDD लगा हुआ है, तो उन लोग के लिए तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है जो ये मैं फाइनल प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर जिन लोग का SSD लगा हुआ है उन लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिन लोग का HDD लगा हुआ है, हार्ड डिस्क लगा हुआ है, तो उन लोग के लिए ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस को परफॉर्म करना, जो ये फिफ्थ नंबर प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है। अब आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है अपने सर्च बार में डीफ्रेगमेंट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको डीफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा थ्री ड्राइव्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, क्योंकि मेरे सिस्टम में जो ड्राइव्स है दिस पीसी में वो थ्री ड्राइव ऑलरेडी, मैंने थ्री ड्राइव ही क्रिएटेड है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव यहाँ पे भी शो हो रहे हैं, और यहाँ पे भी जो जो ड्राइव मेरा है क्रिएटेड वही सब यहाँ पे मेरा शो हो रहा है। अगर बाय द वे अगर आपका एफ ड्राइव भी है या जी ड्राइव भी है तो टोटल आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे उन सभी ड्राइव को एक एक कर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे सी ड्राइव को सिलेक्ट किया हूँ, पहला तो आपको सी ड्राइव को ही सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको उसे एनालाइज करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एनालाइज का ऑप्शन है, तो आपको उसे एनालाइज करना है, फिर आपको उसे ऑप्टिमाइज करना है। जैसे मेरा अभी फिलहाल ये एनालाइज का जो ये ऑप्शन है ये अभी फिलहाल हाइड है। अगर बाय द वे आपका भी हाइड रहता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अगर बाय द वे यहाँ पे आपका हाइड नहीं है, अनहाइड है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले एनालाइज कीजिएगा, एनालाइज करने के बाद फिर आप इसे ऑप्टिमाइज कीजिएगा। और एनालाइज और ऑप्टिमाइज होने में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे एनालाइज ऑप्टिमाइज होने में किन किन लोगों का 15 मिनट का भी टाइम लगता है, किन किन लोग का 20 मिनट 30 मिनट का भी टाइम लगता है हमने 100% एनालाइज और ऑप्टिमाइजेशन होने में। तो आपको यहाँ पे ज़रा पेशेंस रखना है और आपको यहाँ पे इन सभी ड्राइव को आपको एनालाइज और ऑप्टिमाइज कर लेना है, और जो बाकी के ड्राइव है डी ड्राइव ई ड्राइव जो है वो आपका जल्दी ही आपका एनालाइज और ऑप्टिमाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो सी ड्राइव है वो आपका ज़रा वहाँ पे टाइम लगता है एनालाइज और ऑप्टिमाइज होने में, तो आपको वहाँ पे ही सिर्फ टाइम देना है, ज़रा पेशेंस रखना है अपने सी ड्राइव को एनालाइज और ऑप्टिमाइज करने में। और ये जो प्रोसेस मैं आपको जैसे पहले बताया हूँ कि ये प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रोसेस एटलीस्ट वन वीक में आप टू टाइम्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसे क्या होगा कि आप इसे वन वीक में दो बार कीजिएगा तो आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो मैंने लेवल में रहेगा, ठीक है, वो हमेशा आपका परफेक्ट तरीके से वर्क करेगा, फास्ट वर्क करेगा, ऐसा नहीं कि हैंग करेगा या स्लो वर्क करेगा। आपको इस प्रोसेस को ऑलवेज आपको यहाँ पे इसे परफॉर्म करते रहना है बीच बीच में, और ऐसा नहीं कि और मैं जो बाकी का प्रोसेस बताया हूँ, जितने भी प्रोसेस मैं आपको बताया हूँ 5 प्रोसेसेस, आपको उन सभी को भी बीच बीच में आपको उन सभी को क्लीन करते ही रहना है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे एक सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।